हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे कोके एक्स वाई जेड फूड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज कद्दू के पत्ते की सब्जी बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत स्वादिष्ट। पहले ये छोटे छोटे पत्ते मुलायम मुलायम जो हैं, इसको हमने तोड़ लिया है। उसे तोड़ लेना है, इसको अच्छे से 3 से 4 पानी धो लेना है बढ़िया से। पानी डाल दी हूँ, इसको अच्छे से धो लेती हूँ। ऐसे करके अच्छे से दोनों साइड से धो लेना है। इसके बाद इसको छोटे छोटे काट देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने साग को काट लिया है और 2 छोटे छोटे आलू भी काट लिए हैं। अब इसमें डालने के लिए तड़के में प्याज मीडियम साइज का, 5-6 कली लहसुन की, 1 चम्मच राई, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार। आइए, मैंने कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन करते हैं। कढ़ाई गर्म होने देते हैं। मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें सरसों का तेल डालते हैं 2 बड़े चम्मच। तेल गरम हो जाने पर ऐसे घुमा देते हैं। तेल गरम हो जाने पर सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे। फिर इसमें राई डालेंगे 1 चम्मच। राई जीरा चटक जाने पर प्याज डालेंगे। चला देते हैं थोड़ा सा। फिर लहसुन डालते हैं। मीडियम लो फ्लेम पर गैस रखना है। इसको थोड़ा सा चला देते हैं। फिर इसमें हरी मिर्च डालते हैं। इसको भून लेते हैं अच्छे से, सुनहरा होने तक भूनते हैं। इसमें दोस्तों बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन्स पाया जाता है, जितना कद्दू में मिलता है। अब कद्दू का तो सब्जी बना सकते हैं, लेकिन इसके पत्तियों से साग बनाते हैं, साग वाली सब्जी। इसमें साग जैसे स्वाद भी आता है और बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड, देखिए, अब मेरा तड़का सुनहरा हो गया है। अब मैं इसमें सबसे पहले आलू डालती हूँ। इसको चला देती हूँ, 1 मिनट आलू भून लेते हैं। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मेरा 1 मिनट हो गया है, इसमें साग भी डालते हैं।
सब को डाल के इसे अच्छे से चलाते हैं। बढ़िया से इसको उलट पलट कर दीजिए ताकि पूरे में तेल तड़का सब भी जाए। अब मैं इसको ढक देती हूँ एक बार और गैस मीडियम लो पे रखिएगा। अब मैं इसे एक बार ढक देती हूँ। अब हमारा 2 मिनट हो गया है, इसको खोल कर देखते हैं। एक बार चला कर इसमें हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और नमक डाल देते हैं, अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और एक बार यदि इसको ढक देते हैं ना, ये देखने में बहुत भरा भरा सा लगता है, इसके बाद ये गल के बहुत थोड़ा सा हो जाता है, पत्ती मुलायम रहती है तो इसी से ज़्यादा गल जाती है। चला कर इसको ढक देते हैं फिर थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, इसे पंपकिन भी बोलते हैं, यूपी में इसे कोहड़ा भी कहते हैं। बहुत स्वादिष्ट होता है, ये बन जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अब 5 मिनट मेरा हो गया है ढके हुए, मैं इसे खोल कर देखती हूँ। मेरी सब्जी तैयार हो गई है, पक के देखिए दिख भी रहा है अच्छे से। बिल्कुल भी पानी नहीं है, अब सूख गया है पूरा पानी। इसमें का पानी पूरा सूख ही जाना चाहिए तभी स्वाद अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। इसे आप पूड़ी, पराठा, रोटी से, चावल से, जिसे पसंद आए उससे भी खा सकते हैं। एक बार बना के दोस्तों खा के देखिए, तभी समझ आएगा ना कि किस चीज़ से अच्छा लग रहा है। गैस बंद करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अब खाने के लिए तैयार हो गया है, मैंने निकाल के भी रख दिया है। अगर हमारा कुकी एक्स वाई जेड फूड चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।